तो आज हम लामा फेरा के बारे में जानने आए हैं। नाम आप लोगों ने सुना है लामा फेरा, एक नए टाइप की मोडेलिटी है। रेकी तो सभी ने सुना, राइट? कि रेकी होती है, हीलिंग मोडेलिटी है, सिंबल्स के थ्रू होती है, हाथ में हम सिंबल्स बना के हील करते हैं। लामा फेरा को उससे एक और स्टेप आगे का दिया हुआ है, ठीक है? लामा फेरा आज के जमाने में सबसे फास्टेस्ट मोडेलिटी कही जाती है। और आप लोगों ने लामास को तो देखा ही होगा, जैसे मैं कपड़े पहने बैठी हूँ वैसे ही वो लोग पहने हुए आपको दिख जाते हैं, एक येलो कलर का और उनके पास दुपट्टा सा होता है या कोट, वो अंदर शर्ट जैसा होता है और एक पात्र होता है ना, माला होती। तो लामा फेरा एसोसिएट वहीं से है, क्योंकि लामास कौन होते हैं? बेसिकली लामास वो होते हैं जो भगवान बुद्ध की जो फिलोसफी है उसको फॉलो करते हैं, ठीक है? हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे आगे। तो सबसे पहले तो हम जब भगवान बुद्ध की के उसमें जा रहे हैं शरण में, तो पहले उनका आह्वान करना भी जरूरी है। तो मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि लामा फेरा का एक हम मुद्रा बनाते हैं और बुद्धम शरणम गच्छामी का जो जाप होता है वो 3 बार करेंगे, उसके बाद हम अपना स्टार्ट करेंगे लामा, ठीक है? आप अपना लेफ्ट हैंड इस तरह से लीजिए। आई होप सो मैं सबको दिख रही हूँ क्लियरली, और यू वॉन्ट मी टू पिन माई सेल्फ, ठीक है ना? मैम चलिए स्क्रीन तो बड़ा कीजिए, स्क्रीन बड़ा मेरा कीजिए आपका, अभी मुद्रा दिखा रहे हैं हाथ यहाँ ना, पे। हाँ, एक मिनट मैं अपने आप को ना स्पॉटलाइट पे ले लेती हूँ। अभी देखो, अभी ठीक है? नहीं मैम, नहीं मैम, नहीं फाइन। आया। अरे स्पॉटलाइट पे, बाकी सब लोग म्यूट करिए, तो जब मैं बोलूंगी तो मैं ही स्क्रीन पे दिखूंगी। अभी देखो, यस मैम, है ना? नाउ इट्स क्लियर? और अगर जब मैं बोल रही हूँ आपको मेरी मुद्रा या वो देखनी है तो मेरी पिक्चर को आप क्लिक करोगे तो मेरा बड़ा हो जाएगा और जो डॉक्यूमेंट है जो लिखा हुआ है वो छोटा हो जाएगा। सो यू कैन स्विच ईदर वेज, जो आपको ओके देखना मैम, है। ओके, थैंक यू। चलिए, लेफ्ट हैंड को इस तरह से रखेंगे जैसे हम ध्यान मुद्रा बनाते हैं, इंडेक्स फिंगर और थंब को जोड़ते हैं इस तरह से, अपने हाथ को यहाँ रखिए, ठीक है? सेम वे राइट हैंड की भी ध्यान मुद्रा बनाएंगे, इंडेक्स फिंगर और थंब को जोड़ेंगे और ये जो लेफ्ट हैंड है इसका जो मिडिल फिंगर है उससे टच करेंगे, ये देखिए। आप लोग देख पा रहे हो? तो ये हम बुद्ध मुद्रा कहते हैं। इसको आप अपने लैप के ऊपर अपने दोनों हाथ रखो या फिर अपने हार्ट की तरफ रखते हैं, हार्ट चक्रा के एकदम सामने, ओके? अच्छा, एक चीज और है, हम कोई भी मंत्र चैंटिंग जब करते हैं तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसकी एक टोन होती है, ठीक है? तो हम उसी फ्रीक्वेंसी को फॉलो करेंगे। तो जब हम ये मंत्र करेंगे तो हम ये मानेंगे, एक माइंड में एक इंटेंशन रहेगी कि भगवान बुद्ध हमारे सामने हैं और वो हमें ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की पद्धति है, उन्हीं के द्वारा बनाई हुई है, उन्हीं के द्वारा गाइडेड है ये, ठीक है? तो उनका आह्वान करना भी जरूरी है। चलिए हम स्टार्ट करेंगे। बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। थैंक यू।
अब हम चलते हैं आगे। तो मैं अपने बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। मैं लामा फेरा हूंकारा विथलीम योग माया प्राणिक हीलर एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर हूँ, ऑरा चक्रा कोच हूँ, थर्ड आई एक्टिवेशन देन मेडिटेशन कोच हूँ और लाइफ कोच हूँ। ठीक है, हीलिंग्स मेरा पैशन है और काम मेरा इंटीरियर का भी है। प्रोफेशनली इंटीरियर डिजाइनर भी हूँ और एम कॉम मतलब कॉमर्स में मास्टर्स हैं। एविएशन फील्ड से भी जुड़ी हुई हूँ, ट्रैवल एंड टूरिज्म से। लेकिन जो पैशन है वो सबसे हाई टॉप पर है, इसलिए आज मैं यहाँ पर हीलिंग्स करवा रही हूँ, करती भी हूँ और पढ़ाती भी। ठीक है, तो ये छोटा सा एक ब्रीफ है मेरे लिए, मेरे बारे में। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हीलिंग की तरफ मुझे मेरी मदर लेकर गई, क्योंकि वो खुद एक प्राणिक हीलर हैं, तो एक मोटिवेशन मुझे उनसे बहुत मिला। और मैं पिछले 17 साल से हीलिंग फील्ड में हूँ, अपने पैशन को परस्यू कर रही हूँ। और थैंक्स टू एकेडमी जिन्होंने मुझे मेरे इस पैशन को और आगे बढ़ाने में मुझे हेल्प करी और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पा रही। ठीक है, चलिए हम लामा फेरा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले हमें उसके जनक यानी कि जहां से ये शुरू हुआ इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताना चाहूँ। आर यू ऑल रेडी? सबने भगवान बुद्ध के बारे में तो सुना है और ये भी सब जानते हैं कि वो पहले सिद्धार्थ नाम से प्रिंस सिद्धार्थ मतलब राजकुमार सिद्धार्थ थे, लुम्बिनी में जो नेपाल है। ठीक है, वहां से वो उनकी जर्नी शुरू होती है जब वो पैदा होते हैं। जब वो पैदा हुए तो किसी महापुरुष ने ये भविष्यवाणी करी कि या तो ये बहुत ऊंचे स्तर का राजा बनेगा, ठीक है, या फिर ये सन्यासी बन जाएगा और बहुत ऊंचे लेवल का होगा, जो भी होगा उसका हाईएस्ट उस पे रहे। अब एक ही बेटा, तो राजा जो है वो थोड़े परेशान हो गए कि अब क्या किया जाए, तो उन्होंने एक तरह से उनको महल कैद कर दिया। महल कैद का क्या मतलब हुआ, उन्होंने सब चीजें उनको महल में ही प्रोवाइड कर, उनको बाहर देखना भी अलाउड नहीं था, महल की दीवारें काफी ऊंची थी। लेकिन अब कहते हैं जो कॉलिंग होती है, जैसे पैशन होता है, मैंने कहा मेरा पैशन है कि भाई मैं इतना सब करने के बाद भी हीलिंग्स में अपने आप को ज्यादा इंडल्ज करती हूँ, तो उसी तरह से एक कॉलिंग आती है, एक गाइडेंस आती है यूनिवर्स से, तो हर तरह की दीवारें टूट जाती हैं, हर तरह की बेड़ियां टूट जाती। उसी तरह से उनके साथ भी हुई, उन्होंने एक दिन इच्छा जाहिर करी कि मैं देखना चाहता हूं कि मेरा किंगडम कैसा है, कि मेरे जो लोग हैं, राज्य है मेरा, वो कैसा है। राजा फिर परेशान, तो उन्होंने उनके बेस्ट फ्रेंड जिनका नाम आनंद है उनको ये कार्य सौंपा कि सबसे पहले तो ये कि पूरे राज्य में ये बात कहला दी गई, ढिंढोरा पिटवा दिया गया कि कोई भी किसी भी तरह का दुख इस इनके सामने नहीं आना चाहिए, जहां से इनके मन में किसी के लिए भी इमोशंस या एम्पैथी मतलब जागृत हो। एम्पैथी का मतलब कि आप सहानुभूति जिसको कहते हैं। तो इनका जो बेस्ट फ्रेंड था आनंद, वो ही इनका सारथी बना। वो इनको राज्य में लेकर गया, दरवाजे खुले, बाहर निकले। अब जैसे वो आगे बढ़े, कहते ना होनी को कोई नहीं टाल सकता, तो सबसे पहले इन्हें एक बूढ़ा आदमी दिख गया। तो इनके मन में क्वेश्चन आया कि ये कैसा है, ये आदमी तो बहुत अलग दिख रहा है। तब उन्होंने आनंद ने उनको एक्सप्लेन किया कि ये तो जीवन मरण का सर्कल है और इंसान जब पैदा होता है, फिर जवान होता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता है और फिर बूढ़ा होता है, इसलिए ये बूढ़ा है, इसलिए ऐसी कमर झुकी है। आगे गए तो एक डेड बॉडी दिख गई, एक मरा हुआ मतलब एक जा रहे थे एक अर्थी लेकर। ये क्या है? बोले जब बूढ़ा हो जाता है इंसान तो मर जाता है, जब उसके शरीर में जान नहीं रहती है। तो वो इस तरह से उनको एक्सप्लेन करता गया कि हर एक स्टेप किस तरह से होता है। उसके बाद एक बीमार आदमी भी दिखा उनको, तो अब ये तो समझ गए कि बूढ़ा हो गया और मर गया, अभी बीमार क्या है? तो बीमार फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जब इंसान के अंदर कुछ इम्बैलेंसेस होते हैं तो वो बीमार पड़ जाता है, फिर उसे दवाइयां औषधियां खानी होती हैं, तब वो ठीक होता है, अपनी दिनचर्या कर सकता है। ये भी समझ आ गया। अब इसके और आगे चले तो उनको एक सन्यासी दिख गया। तो बोले ये क्या है, ये कौन है?
ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि वो जब सन्यासी है उसके आगे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, उनको बुलाता है अपने पास, समझाता है कुछ, और वो बड़े खुश होकर चले जाते हैं वापस। फिर आनंद ने उन्हें समझाया कि ये है, ये सन्यासी है, ये भगवान से, यूनिवर्स से, एनर्जी से जुड़े हुए हैं। तो जब ये हीलिंग करते हैं, ये लोगों को ठीक करते हैं, उनके दुखों को दूर करते हैं, तो बोले वो कैसे, तो बोले उन्होंने बहुत तपस्या करी है। अब जैसे कहते ना, कांटा अटक जाता है दिमाग में, तो बस राजकुमार सिद्धार्थ के दिमाग में एक कांटा अटक गया कि भाई बहुत मेडिटेशन और स्पिरिचुअली जाओगे तो आप दूसरों की मदद कर सकते हो, उनको हेल्प कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से वो, उनका जो माइंड था, जो उनके थॉट प्रोसेस थे, वो इस तरह से मेडिटेशन और हीलिंग्स और स्पिरिचुअलिज्म की तरफ डाइवर्ट हुए, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, अपना घर छोड़ दिया 16 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र में घर छोड़ा, वन वन भटकते रहे, शादी हो चुकी थी, बच्चा भी हो चुका था, लेकिन कहते ना कॉलिंग जब आती है आप रुक नहीं सकते। तो एक दिन रात के अंधेरे में उन्होंने अपना घर छोड़ दिया, त्याग दिया, जंगल जंगल भटकते रहे, कई लोगों के साथ, कई साधुओं के साथ टाइम गुजारा, वक्त वक्त व्यतीत किया अपना बहुत। और उनका सिर्फ एक यही था कि मुझे उस लेवल पे पहुंचना है कि मैं लोगों के दुखों को दूर कर सकूं, वो माध्यम मुझे बने। चलते रहे, बहुत साल हो गए। जब वो 35 ईयर्स के हो गए, मतलब आप सोचो 16 साल की उम्र में उन्होंने त्यागा था और 35 की एज पर आए, तो ऐसी तरह से वो साधु वो बने रहे और वो करते रहे। अच्छा, इनके ना इस सफर में 5 कहते हैं ना सीकर्स होते हैं, जो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो एक हाई लेवल के पे हो, उनके डिसाइपल्स बनना चाहते हैं। तो ऐसे 5 योगी थे जिन्होंने को फॉलो करना शुरू करा, इनके पीछे पीछे चलते थे, जब ये मेडिटेशन करते थे तो इनके सारे काम करते थे। तो जब ये बहुत इस तरह से मेडिटेशंस करते रहे, तो एक बार काफी लंबा मेडिटेशन हो गया, एक ही जगह बैठे रहे, तो इनकी बॉडी जो है वो एक सिर्फ एक हड्डियों का ढांचा बची। तो लोग इन्हें महापुरुष मानने लगे, लेकिन वहीं पास में से एक लड़की निकल रही थी गांव की, उसने देखा अरे ये साधु संत तो कितना दुबला हो गया है, पूरी हड्डियां निकल रही हैं, इसे कुछ खाया पिया भी नहीं है, यहीं बैठा है, बड़ा वीक है। उसने अपनी समझ से ये सोचा, तो उसने उनको हिला के उठाया और उनको खीर और पानी ऑफर किया। तो भगवान बुद्ध तो अपनी धुन में थे, तो उन्होंने थोड़ा सा खा लिया और पानी भी पी लिया। जब उन्होंने खाया और पानी पिया, तब उनको एक चीज का एहसास हुआ कि मैं तो इस दुनिया में हूं, पैदा हुआ हूं, यहाँ पर एक एनलाइटमेंट मिली उनको, ये कहना चाहिए कि मैं तो यहीं पर एक इस शरीर में हूं और इस दुनिया में हूं, है ना, तो मुझे तो जीना भी पड़ेगा। अगर मैं किसी की हेल्प करना चाहता हूँ तो मुझे अपना भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, अगर मैं ही उतनी एनर्जी मेरे अंदर नहीं होगी तो मैं दूसरों को क्या दे सकता हूँ। तो उन्होंने वो खीर खाई, पास की नदी में स्नान करके आए, थोड़े से रिफ्रेश हुए, ये सब देखा, तो जो उनके 5 डिसाइपल्स थे वो चले। उन्होंने कहा अरे ये तो मतलब नॉर्मल इंसान है, ये तो कुछ नहीं, ये तो खाने पीने में लग गया, कहाँ का साधु हुआ। उन्होंने उनको छोड़ दिया। अब ये सब करते करते वो, उन्होंने एक ही चीज करी, जैसे आप लोगों ने सबने सुना होगा उनका एक डायलॉग है जो वो हमेशा हर घर, एक ही घर के पास जाके हमेशा बोलते थे, भिक्षाम देही। तो उनका एक पात्र होता था जो किसी पूरे दिन में सिर्फ एक घर में जाते थे वो, और वहां पर खड़े होके भिक्षाम देही बोलते थे, जो भी मिल जाए उस पात्र में बस वो उसी को खाते, चाहे वो कच्चा, पक्का, बासी, कैसा भी। तो भिक्षाम देही जो शब्द है वो वहां से है, ठीक है। अब ये होता रहा। अब एक दिन फुल मून टॉरस, आप लोगों ने सबने बुद्ध पूर्णिमा सुना है ना, जो पूर्णिमा अभी मार्च अप्रैल में के आसपास आती है, जून, वो एक टाइम होता है उसका। तो उससे 49 डेज पहले वो एक बोधि ट्री के, बोधि ट्री क्या होती है, बोधि ट्री मतलब पीपल का पेड़, ठीक है। बोधि ट्री कोई एक नया पेड़ नहीं है, वो नॉर्मल पीपल का पेड़ होता है जो हम लोग सबने देखा हुआ है, ठीक है। तो वहां पर वो बैठ के तपस्या कर रहे थे,
उनको 49 days हो गए, ओके 39 दिन, राइट 49 दिन, सॉरी 49 दिन। तो 49 दिन के बाद टॉरस मतलब प्लेनेटरी पोजीशंस ध्यान दीजिएगा, फुल मून जब वृषभ राशि में आए, ठीक है, टॉरस में, और वही टाइम होता है जो मंथ में वो बुध पूर्णिमा आती है, जब वृषभ राशि उसमें मून जाता है, ठीक है। तब उस दिन अचानक से एक लाइटनिंग हुई, यूनिवर्स से एक लाइट आई जो उनके क्राउन चक्र में एंटर करी और सारे चक्रास में करके धरती में चली गई। ये उनका था एनलाइटमेंट का डे, ठीक है। वहां से उनको सारे ज्ञान प्राप्त हो गए, वो शून्य सिद्धि में चले गए क्योंकि 49 days की उन्होंने सिद्धि कर ली थी। तो जब वो सिद्धि हुई तो वो उस शून्यता में चले गए जहां उनको सारे ज्ञान प्राप्त हो गए, ठीक है। अब जब ये जो लाइट था, जो डिवाइन एनर्जी थी, वो जब नीचे गई धरती में गई, तो वहां पर पीपल की जड़ें भी थी, तो पीपल की जड़ों में भी वो लाइट चली गई, और वो जो प्लांट था, वो जो सॉरी पेड़ था, वो भी जगमगाने लगा, वो लाइट डिवाइन लाइट से जगमगा गया एकदम। तो उसके बाद से पीपल के वृक्षों को बोधि ट्री भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये एनलाइटमेंट उनको उस दिन मिली, और पीपल का जो वृक्ष था उसको बोधि कहा गया, कि जहां पर आपको आपकी बुद्धि को एक एनलाइटमेंट मिलती है, एक उच्च लेवल मिलता, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर है? बोर तो नहीं हो रहे ना आप?